तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, गुजरात चुनाव यानी कि गुजरात की बात करें। आज आपको पता है वोटिंग हो रही है और गुजरात की 26 की 26 सीटों पर चुनाव पड़ रहे हैं। 26 की 26 सीटों में बात करें, 2014 में जब चुनाव हुआ था तो 26 की 26 सीटों में आपके बीजेपी ने जीता था, क्योंकि ये बीजेपी की बात करें मोदी का गढ़ माना जाता है, यही से मोदी मुख्यमंत्री बने थे, तो इस हिसाब से 26 के 26 जीते थे। अब इस बार जीतते हैं, बीजेपी अपने किले को बचाने में कामयाब हो पाती या नहीं। इस बार की बात पर बात करें तो मोदी गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मोदी सिर्फ बनारस से लड़ रहे हैं। अब देखिए कांग्रेस की बात करें, महिला प्रत्याशी को बात करने वाली बहुत महिला प्रत्याशियों के बारे में बोलती है, उसने एक भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है। वहीं बीजेपी ने 6 महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। बात करें 2014 में 26 की 26 सीटें बीजेपी की झोली में आई थी और कांग्रेस को 0 सीटें मिली थी। अब देखिए 2019 की बात करें, कांग्रेस दावा कर रही है इस बार 8 सीटें कांग्रेस जीतने वाली है। कांग्रेस ने दाव खेला है गुजरात में, हार्दिक पटेल जो पाटीदार के नेता माने जाते हैं, हार्दिक पटेल पे दाव खेलने के बाद कांग्रेस का ये दाव फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर में यहाँ पे थोड़ा सा मनमुटाव हो गया, जिससे वहाँ कई जो समीकरण बनाया था कांग्रेस ने वो गड़बड़ होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की बात करें, जहाँ पर बीजेपी शहरों में अपनी पकड़ बना के रखी है, वहीं कांग्रेस गाँव में, गुजरात के गाँव में अपनी पकड़ बना के रखी है। इस बार की बात करें गांधीनगर सीट से, जहां पे लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह को टिकट दिया गया है, वहीं पे मोदी की बात करें वो गुजरात से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की झोली में कौन कौन सी सीटें आ सकती हैं, 26 सीटों की बात करेंगे तो यहां पे गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर की बात करें, इस बार सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने का बीजेपी का लक्ष्य है और शायद वो जीत भी रही है। तो गांधीनगर, गुजरात, अहमदाबाद, पूर्व व पश्चिम, सूरत, नवसारी, वडोदरा, भरूच, जामनगर, भावनगर, राजकोट, खेड़ा, कंछा व अलछार, ये सारे सीटों पे भाजपा जीत रही है कह सकते हैं। अब देखिए कांग्रेस का जो दाव है, कांग्रेस जहाँ पे थोड़ी बहुत मजबूत है, जहाँ पे जीत भी सकती है, वो है आनंद, अमरेली, छोटा उदयपुर, जूनागढ़ और पाटन, ये कुछ लोकसभा सीटें जहाँ से कांग्रेस जीत सकती है। तो ये थे टोटल गुजरात के टोटल 26 से 26 सीटों के नतीजे। और वीडियो जानना हो लोकसभा सीट के बारे में, लोकसभा चुनाव के बारे में, तो पहला काम करो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन जरूर क्लिक कर देना, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते रहो सुधीर गुप्ता, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।